Hi guys, this is Aparna and you're watching Aparna's Recipe Tree. Friends, आज मैं आपके साथ में ऐसी रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ जो है चाइनीज डिश की जान और उसके बिना हर चाइनीज डिश अधूरी होती है। और आज हम बनाने जा रहे हैं सेजवान चटनी, जिसे कि आप घर में बना सकते हैं बिना किसी प्रिजर्वेटिव के। तो बनाते हैं सेजवान चटनी। है गाइस, आज हम बनाने जा रहे हैं सेजवान चटनी जो कि सबकी बहुत फेवरेट होती है। तो आज हम बहुत ही इजी तरीके से बनाएंगे। तो उसके लिए हमने लिया है ये कश्मीरी लाल मिर्च ली है, जिसे बेड़गी मिर्ची भी कहते हैं। ये बिल्कुल भी तेज नहीं होती, इसका सिर्फ कलर होता है। ये हमने लिए है 100 ग्राम। और साथ ही हमने लिए जो रेगुलर मिर्च होती है अपनी, ये लेकिन ज़्यादा तेज नहीं है, इसे हमने लिया है 20 ग्राम। क्योंकि मुझे चटपटा पसंद है इसीलिए मैंने ये नॉर्मल मिर्च ली है। और अगर आप ज़्यादा तेज नहीं खाना चाहते तो आप इसे जो नॉर्मल मिर्ची इसे आप स्किप कर सकते हैं, सिर्फ आप जो हमारी कश्मीरी मिर्च है इससे ही शेजवान चटनी बना सकते हैं। तो हम इसका थोड़ा तीखापन कम कर देंगे। उसके लिए हम क्या करेंगे, जो हमारा ये मिर्च होती है इसके बीज को हम निकाल लेंगे, तो जो हमारा चटनी है वो थोड़ी सी स्पाइसी कम होगी। हमने जो नॉर्मल वाली मिर्च ली थी उसके हमने सीड निकाल दिए हैं। हमें इसके पूरे सीड नहीं निकालने, क्योंकि जब हम चटनी बनाते हैं और उसके जब सीड जो मुंह में आते हैं तो बहुत अच्छे लगते हैं। तो हमने बस थोड़ी मिर्च के ही सीड निकाले हैं। अब हमने एक पॉट में इन मिर्ची को डाल दिया है। अब हम इसमें इसको डूबते तक के इसमें डालेंगे गर्म पानी, जिससे कि जो हमारी मिर्च है अच्छी तरीके से सॉफ्ट हो जाए और एकदम मुलायम सा जब हम उसकी चटनी बनाएं तो बहुत ही अच्छा सा सॉफ्ट सॉफ्ट उसका टेक्सचर लगे। हमने मिर्च में गर्म पानी डाल दिया है। अब हम इसे 1 घंटे के लिए ढक के रख देते हैं और मिर्च को भीगने देते हैं, ताकि जो हमारी मिर्च है बिल्कुल सॉफ्ट हो जाए सेजवान चटनी के लिए। और अगर आपको बहुत जल्दी है, आपके पास टाइम नहीं है मिर्च को भिगाने का, तो आप 10 से 15 मिनट गर्म पानी में उसे भिगो के रखिए और उसे सॉफ्ट होने तक बॉईल कर लीजिए। फ्रेंड्स, सेजवान चटनी के लिए जो हमने 1 घंटे के लिए मिर्च को पानी में भिगो के रखा था, वो जो हमारी मिर्च है काफ़ी अच्छी तरीके से भीग चुकी है और काफ़ी सॉफ्ट भी हो चुकी है। हमें ऐसे ही मिर्च चाहिए। अब हम लेंगे एक मिक्सी का जार और उस मिक्सी के जार में मिर्ची को डाल करके हल्का सा दरदरा पीस लेंगे। हमें बहुत ज़्यादा उसका पेस्ट नहीं बनाना है, बस हल्का सा दरदरा होना चाहिए। तो लेते हैं एक मिक्सी का पॉट और उसमें डाल देते हैं अपनी ये मिर्चियाँ। इसमें पानी नहीं डालेंगे क्योंकि ऑलरेडी इसमें पानी है। और जो हमारा बचा हुआ पानी है, भिगोया हुआ पानी, इसको हम फेंकेंगे नहीं, अभी हमें इसको यूज़ में लेंगे। ये देखिए, हमने मिक्सी के पॉट में जो हमारी मिर्च थी भीगी हुई उसे अच्छे तरीके से पीस लिया है। हमें इसका बहुत ज़्यादा फाइन पेस्ट नहीं बनाना है, इसे हल्का सा दरदरा रखना है। तो ये हमारा पेस्ट पीस के तैयार है। अब हम गैस पर रखते हैं कढ़ाई या पैन। गैस पर हमने कढ़ाई रख दी है और हमने गैस का फ्लेम ऑन कर दिया है। और अब हम इसमें लेंगे 4 टेबल स्पून ऑयल। सेजवान सॉस में जो ऑयल की मात्रा होती है थोड़ी ज़्यादा होती है, जिस तरह से हम अचार के लिए थोड़ा ज़्यादा ऑयल लेते हैं ताकि उसका जो सेल्फ लाइफ है वो ज़्यादा रहे, तो उसी तरह से हम सेजवान चटनी में भी थोड़ा ऑयल ज़्यादा लेते हैं। जो हमारा ऑयल है वो एकदम हल्का सा गर्म हुआ है, हमें इसे ज़्यादा गर्म नहीं करना है। अब हम उसमें डाल देंगे, हमने करीबन 3 टेबल स्पून लिए हैं लहसुन, जिसे कि हमने छील करके बारीक बारीक काट लिया है। आप लहसुन को काटिएगा, उसे पीसिएगा नहीं। इसको इसमें डाल देते हैं। और साथ ही हमने इसमें लिया है 1 टेबल स्पून अदरक। अदरक को भी हमने बारीक बारीक टुकड़ों में बारीक बारीक पीसेस में काट लिया है। इसको भी इसमें डाल देते हैं। और साथ ही फ्रेंड्स, हमने लिया है, क्योंकि जो सेजवान चटनी होती है उसमें सेलरी डलती है, लेकिन मेरे पास सेलरी नहीं है,
तो मेरे पास ये जो हमारा हरा धनिया होता है, हरे धनिए के डंठल को हमने इसमें काट करके डाला है। इसका फ्लेवर भी इसमें बहुत अच्छा आता है। ये ऑप्शनल है और इसे चलाएंगे। लहसुन और अदरक को हमें ज़्यादा देर नहीं पकाना है, बस इसका हल्का सा जो कच्चापन है वो निकल जाए, बस हमें इसे इतना ही पकाना है। और अब इसमें डालेंगे जो हमारा पीसी हुई मिर्च थी, इसको इसमें डाल देंगे। और इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर देंगे। और इसे ऐसे ही चलाते हुए 3 से 4 मिनट तक ऐसे ही मीडियम फ्लेम पर पकने देंगे और लगातार चम्मच चलाते रहेंगे। इस सीजवान चटनी को पकाते हुए हमें 3 से 4 मिनट तक हो गए हैं और ये देखिए काफ़ी गाढ़ी हो गई है। अब हम इसमें डालेंगे मसाले। तो इसमें हमने लिया है 1 टेबलस्पून लिया है सॉल्ट, नॉर्मल सॉल्ट है ये, 1/2 टीस्पून लिया है हमने चीनी, 1 चम्मच लिया है सोया सॉस, 2 टेबलस्पून लिया है हमने सिरका, वाइट विनेगर है ये, और साथ ही हमने लिया है 1 से 2 चम्मच हमने लिए है इसमें टोमेटो केचप। ये ऑप्शनल है मुझे, क्योंकि टोमेटो केचप बहुत पसंद है, इसका खट्टा मीठा टेस्ट बहुत अच्छा लगता है, इससे मैंने डाला है। आप भी थोड़ा उसमें डाल सकती हैं। और इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर देंगे। और साथ ही हमने लिया है 1/2 टीस्पून काली मिर्च पाउडर और इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर देंगे। और इसमें हम डाल देंगे थोड़ा सा पानी, ये जो मिक्सी में थोड़ा सा चिपका हुआ था, लगा हुआ था पेस्ट, इसको इसमें डाल देंगे। हम इसमें थोड़ा सा पानी और डाल देंगे और इसे मीडियम फ्लेम पर लगातार चलाते हुए कम से कम 6 से 7 मिनट तक पकाएंगे, जब तक कि हमारा जो सेजवान चटनी है गाढ़ी ना हो जाए और जो बाजू से ये तेल रिलीज ना करने लगे। जब ये बाजू से तेल छोड़ेगा तब समझेंगे कि हमारी जो सेजवान चटनी पक गई है। हमने 4 से 5 मिनट तक देखिए सेजवान चटनी को पका लिया है और इसका जो ऑयल है एकदम ऊपर आ गया है। तो अब हम गैस को कर देते हैं बंद और जो हमारी सेजवान चटनी है इसे ठंडा होने देते हैं और बाद में हम उसे किसी कंटेनर में भर देंगे। तैयार है हमारी चटाकेदार सेजवान चटनी, सेजवान सॉस। आप मजे लीजिए इसे रोटी के साथ, फुलके के साथ, पराठे के साथ, मोमोज के साथ, या फिर सेजवान राइस बनाइए या फिर बनाइए हक्का नूडल्स। आप किसी भी चाइनीज डिश में इसे डाल सकते हैं और या तो फिर ऐसे ही ब्रेड पे लगा के खाइए। तो आपकी सेजवान चटनी कैसे बनी आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगली नई रेसिपी के साथ फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, खाते रहिए, खिलाते रहिए।